सब्सक्राइब कीजिए लेजी टेक्नो ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी टेक्नो ट्रिक्स। और आज मैं बात करने वाला हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की क्विक अपडेट के बारे में। मैंने इसके पहले भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में वीडियो बनाया था जैसे ही ये लाइव हुआ था प्ले स्टोर पे एज अ बीटा, और अभी भी स्टिल बीटा वर्जन पे ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ ऊपर कार्ड्स पे दे दूंगा, आप देख लेना कैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खोलना है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ बातें उस वीडियो में रह गई थी या फिर जो कमियां थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, आपके जो क्वेश्चंस थे, और बहुत सारा नया अपडेट आया है इस पे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्यों पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला बार सबसे फेमस मोबाइल वॉलेट है पेटीएम, और अगर वो एज अ पेमेंट्स बैंक कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम सेकेंडरी बैंक की तरह यूज कर पाए, क्योंकि पेमेंट्स बैंक को तो आप प्राइमरी यूज कर ही नहीं सकते कभी भी और करना भी मत, क्योंकि आपको तो एटलीस्ट एक बैंक तो चाहिए अपने पैसे इस पे ट्रांसफर करने के लिए और इस तरह। तो एज अ सेकेंडरी बैंक इट्स ओके। तो पेमेंट्स बैंक तो एयरटेल का भी है, फिनो का भी है, अभी आइडिया और जियो का भी आने वाला है। तो जियो का शायद कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा और एक इंडिया पोस्ट का भी है। इसके अलावा किसी और पेमेंट्स बैंक में पेटीएम के अलावा मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज ओके, बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है जस्ट बिकॉज एक ट्रस्ट बन चुका है पेटीएम पे ड्यू टू इट्स मोबाइल वॉलेट सर्विसेस। और दूसरा क्या है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, शायद आप लोग भी अग्री करोगे, पेटीएम एक सिंगल ऐप में मुझे शॉपिंग वगैरह का काम हो जाता है। पहले तो पेटीएम मॉल मतलब बहुत बेकार था, अभी थोड़ी सर्विसेज ठीक हुई है। दूसरा मोबाइल वॉलेट का काम हो जाता है, अभी पेमेंट्स बैंक आ गया तो इंटरेस्ट वगैरह मिल जाएगा अपने सेविंग्स पे, एज अ सेकेंडरी बैंक यूज कर सकते हो तो वो भी है। तो ये कुछ कारण है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जिसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी अपडेट क्या है, अगर आपने अभी तक बीटा के लिए साइन अप नहीं किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, तो आपको मैंने पहले ही बताया यहाँ कार्ड से वीडियो देता हूँ, वहां जाके आप देख लो कैसे एनरोल करना है बीटा वर्जन के लिए प्ले स्टोर पे, और वो लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड कर लो बीटा प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद। फिर जो आपको लेटेस्ट अपग्रेड मिलेगा उसमें आप क्लियरली देख पाओगे, जैसा कि आप मैं बता रहा हूँ, आपको एक भीम यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, उस पर कमिंग सून दिखा रहा है। दैट मीन्स पेटीएम पेमेंट बैंक जल्दी यूपीआई से इंटीग्रेट होने वाला है, विच इज अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि इसके पहले यूपीआई पे नहीं था, तो बहुत से लोग फोन पे भीम ये सब यूज करते थे, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता था कि यार पैसे नहीं जा रहे हैं पेटीएम पे, पेटीएम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि पेटीएम का जो IFSC आप यूज करोगे PYTM012345 ये है उसका IFSC कोड पेटीएम पेमेंट बैंक का। ये जैसे ही आप डालते हो फोन पे भीम या किसी भी यूपीआई इनेबल्ड ऐप पे, ताकि आप अपने बैंक से उस पर ट्रांसफर कर पाओ इजिली, तो आपको बताता था कि दिस बैंक इज नॉट ऑन यूपीआई नेटवर्क, बट अभी वो आ गया है यूपीआई नेटवर्क पे। मैंने देखा है फोन पे पे आप जाओ लेटेस्ट वर्जन पे या भीम पे पता नहीं, फोन पे पे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का बकायदा एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने किया सेलेक्ट करने की कोशिश बट वो हुआ नहीं, शायद अभी काम चल ही रहा है पेटीएम का उस पर, तो मेरा वो एज अ बैंक सेलेक्ट नहीं हुआ यूपीआई मतलब फोन पे के ऐप पे। तो हो सकता है वो धीरे धीरे हो जाएगा और पेटीएम के ऐप में भी इंटीग्रेट हो जाएगा यूपीआई का, तो आप अपने फेवरेट ऐप से भी यूज कर सकते हो या पेटीएम को उसके अंदर ही यूज कर सकते हो यूपीआई। तो वो एक क्विक अपडेट है, और यूपीआई नेटवर्क पे आ गया है पेटीएम, इसीलिए बहुत ही सीमलेसली आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, जैसे फोन पे भीम या किसी भी ऐप के थ्रू, गूगल पे वगैरह के थ्रू, अब आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे डाल सकते हो बिल्कुल आराम से। आप ट्राई करके देख सकते हो, अभी भी पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि यूपीआई पे नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, नहीं दो ऑप्शन थे, NEFT और IMPS। अब यूपीआई भी आ गया है, तो आराम से आप पैसे पेटीएम बैंक में आप जमा कर सकते हो। दूसरा कोई अपडेट है, बहुत लोगों को फिजिकल कार्ड चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, डेट मीन्स फिजिकल ATM कम डेबिट कार्ड। इसके लिए भी बहुत हल्ला मचा रखा है यूट्यूब पे, तो बहुत लोगों ने वीडियो भी बना रखी है फिजिकल कार्ड, जबकि ऐसा कुछ तो पेटीएम ने अभी तक बोले मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ है। हालांकि मैंने पहले ही बोला था इसके पहले वाले वीडियो में कि वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेटीएम बैंक के आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको बकायदा ऑप्शन मिल जाएगा मतलब चार्जेस के सेक्शन में कि ATM कार्ड का ईयरली चार्जेस 100 रुपीज प्लस GST होगा। ठीक है, ये क्यों लिखा उन्होंने?
क्योंकि उनकी प्लानिंग है आगे फिजिकल कार्ड प्रोवाइड करने की, इसीलिए उन्होंने लिखा। अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे, अभी इनिशियल स्टेज पे है तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन करेंगे जरूर, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था। अभी अपडेट क्या है कि जो मैंने बताया लेटेस्ट अपडेट पेटीएम ऐप का, आप वहां जाओ, आपको वहां बकायदा डेबिट कार्ड कम एटीएम कार्ड लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट एंड एटीएम कार्ड, जबकि पहले सिर्फ डेबिट रुपए डिजिटल डेबिट कार्ड लिखा आता था पहले वाले वर्जन पे, अब डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि जल्दी वो फिजिकल कार्ड जो आपको चाहिए वो पेटीएम रोल आउट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑप्शन आ गया, यूपीआई का भी आ गया, एटीएम कार्ड का भी आ गया। इसके अलावा जो नया अपडेट है चेकबुक्स का, चेकबुक्स भी मैंने पहले आपको बताया था कि ये पेटीएम आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कुछ नॉमिनल फीस पे, जो सारे बैंक्स करते हैं, लेकिन जो मतलब अभी तक जो अपडेट है पेटीएम के ऐप में उस पे वो नहीं था, लेकिन अभी जो ये लेटेस्ट अपडेट मैं बता रहा हूँ इसका वर्जन मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो लेटेस्ट बीटा पे ही है, तो वहां पे क्लियरली चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों का ऑप्शन है और कमिंग सून लिखा हुआ है, जब आप उसे खोलोगे दैट मीन्स आने वाले कुछ दिनों में उस ऑप्शन के अंदर जाके आप चेकबुक्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक के और डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, चेकबुक्स मंगवा सकते हो कुछ नॉमिनल फीस दे के। तो यही एक क्विक अपडेट था आपको बताने के लिए, अगर आपने बीटा प्रोग्राम में साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर लो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एपीके का भी और प्ले स्टोर का भी, जाके आप डाउनलोड करके खुद चेक करो कि आगे क्या करना है। सब कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करो, और फेसबुक पेज पे आप जरूर मुझे हमारे पेज को लाइक करो, क्योंकि वहां पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब मैं डायरेक्टली मैसेज पे देता हूँ, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाके पेज को पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज उत्तम फ्रॉम लेजी टेक्नोट्रिक साइनिंग आउट फॉर नाउ।